तो ऐसी वीडियो तो कैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी होगी कि इस तरीके के जनरेटर बनाकर और ये लोग काम करके दिखाए थे कि इस तरीके से जनरेटर इन लोगों का काम करता है। तो ये गाइस मैंने भी इस प्रोजेक्ट को बनाया और मेरा वाला भी प्रोजेक्ट उसी तरीके से काम करके देख सकते हो। ये मैंने बनाया है और ये वाला भी प्रोजेक्ट काम कर दिया देख सकते हो। लेकिन गाइस क्या ये एक्चुअली में ऐसे काम करता है या इसके पीछे का राज कुछ और ऐसा कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में गाइस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं इसकी रियलिटी। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग देख लो कि ये प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाया और किस तरीके से इसको बनाया गया है, उसी तरीके से हम भी बनाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग इस तरीके का कुछ कैसे लेना है, उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग को बनाकर उसमें मैग्नेट लगाकर एक सिरिंज में हम लोग को उसके ऊपर भी न्यूडेमियम मैग्नेट लगा लेना है। तो ये कुछ तरीके इस तरीके से बन जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। और इस तरीके से बना देने के बाद इस जो सिरिंज इसको लगाकर और इसके ऊपर से फिर से मैग्नेट को लगा देना है, जो कि दो मैग्नेट लग जाएगा जो कि प्रेशर बनाएगा जो न्यूडेमियम मैग्नेट लगा है उसको। और उसके बाद इसमें एक एलईडी लगा दिया जाएगा और उस एलईडी को चिपका देंगे इससे। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट और बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम भी इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो आप लोग देख लो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए बन गया रेडी और इस कैसेट को इस तरीके से रोटेट कर देने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इस प्रोजेक्ट और दिखाते हैं इसकी रियलिटी, क्या ये रियल है या फेक। तो गाइस मैंने भी ले लिया एक प्लाई बोर्ड और इसी प्लाई बोर्ड पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो इस प्लाई बोर्ड को रख देने के बाद मैंने एक कैसेट ले लिया और इसमें एक होल भी कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को टाइम बचे। और मैंने एक ढक्कन ले लिया है जिसमें गियर मैंने लगा लिया और इस गियर को लगाकर उस पर मेरे को मोटर को लगाना है। तो पहले तो इस ढक्कन को इस कैसेट पर चिपका लेता हूँ। तो इस पर मैंने ग्लू भी लगा दिया देख सकते हो। तो इस ग्लू पर इस ढक्कन को चिपकाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ढक्कन को भी लगा दिया। तो ढक्कन भी हमारा चिपक गया है देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारा ढक्कन भी लग गया। तो अब गाइस इसमें हम एक लकड़ी को लगा लेते हैं इस प्लाई बोर्ड के ऊपर। तो इस पर मैं चिपका लेता हूँ इस लकड़ी को और इसको मैं ग्लू चिपका दिया हूँ। तो ये भी हो गया। अब इस पर मैं एक डीसी मोटर लगा देता हूँ जो कि वीडियो में लगा था। तो एक मैं डीसी मोटर भी लगा देता हूँ। इस डीसी मोटर के लिए मैं इसको चिपका देता हूँ इस लकड़ी के ऊपर। तो ये भी हमारा लग गया। अब गाइस इसमें हम लगाते हैं जो मैंने कैसेट का इक्विपमेंट्स बनाया था तो इसको लगा देता हूँ इसमें मोटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये भी कनेक्ट हो गया और कितने अच्छे तरीके से रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक लकड़ी लगा देता हूँ जिस पर मैं सिरिंज को लगाऊंगा। तो इस पर मैं एक लकड़ी भी चिपका लिया हूँ प्लाई बोर्ड के ऊपर। तो ये भी लग गया। अब मैंने एक सिरिंज ले लिया और इस सिरिंज के अंदर वाला हिस्से को निकाल लेता हूँ और उसको इस पर मैं एक न्यूडेमियम मैग्नेट चिपका लेता हूँ। मैं दो न्यूडेमियम मैग्नेट लिया हूँ जिससे कि मेरा छोटा वाला मैग्नेट है तो ये दो उससे अधिक ज़्यादा ही हैवी हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मैंने इसको लगा लिया। अब देख सकते हो गाइस मैं इसके अंदर जो सिरिंज है उसके अंदर लगाता हूँ इस बाहर अंदर वाले पार्ट को। तो देख सकते हो मैं इस पर प्रेशर बना रहा हूँ और ये निकल जा रहा है बार बार बाहर। तो ये नहीं रुक रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा पेन का हिस्सा ले रहा हूँ कट करके और इसको चिपका देता हूँ सिरिंज के पीछे वाले हिस्से के साथ और इसको अच्छे तरीके से चिपका लेता हूँ और भी इस पर मैं ज़्यादा ग्लू लगाता हूँ। तो ये हो गया देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारा उस वीडियो के जैसा बन गया है। तो अब इसको लगाते हैं इस लकड़ी के ऊपर अपने सिरिंज को। तो इस पर मैंने सिरिंज तो लगा लिया है। अब इसके साथ मेरे को एक तिल्ली को भी कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैं एक ये तिल्ली जो साइकिल का किल या तिल्ली मेरे इधर तिल्ली बोलते हैं गाइस आपके इधर क्या बोलते हैं वो आप लोग समझ लेना। तो इसको मैंने लगा लिया है और उसको मोड़ भी मैंने लिया मोड़ भी लिया है। अब इसको लगा देता हूँ उस सिरिंज के साथ। तो देख सकते हो मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अब हमारा प्रोजेक्ट लगभग 80% कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ मेरे को सिर्फ एक एलईडी लगाना है तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा इसको मेरे को सिरिंज को इधर उधर करना पड़ेगा देख सकते हो ये टाइट बना रहा है। थोड़ा सा आगे इसको ले लेता हूँ सिरिंज को। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया लेकिन गाइस अभी भी ये सही से नहीं फिक्स हो रहा है। तो फाइनली गाइस देख सको कितना मेरे को इसको चेंज करना पड़ा पूरा। इसको मेरे को इसका जो स्ट्रक्चर था इसको पूरा बदलना पड़ा लकड़ी वाला उसको मेरे को स्लोप में करना पड़ा है थोड़ा सा कट करके और उसके बाद मेरे को पूरा सिरिंज में चेंज करना पड़ा और यहाँ पे मैं एक एलईडी भी लगा लिया हूँ। तो सब कुछ हमारा कंप्लीट है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो गाइस अब इसको मैं रोटेट करने जा रहा हूँ देख सकते हो मैं इसको अब रोटेट करूँगा। ये काम करेगा या नहीं करेगा तो आप लोग देख ही नहीं ला। तो मैंने इसको दोबारा रोट किया फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ फिर भी। और देख सकते हो गाइस कितने अच्छे तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट था ये काम कर गया है देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारा जो एलईडी है ये भी ग्लो हो रहा है लेकिन ये तीन एलईडी जो कि नहीं काम कर रही ये लग रहा है कि मेरे को ये जल गई है एलईडी। लेकिन ये गाइस जो मैंने सिरिंज लगाया था और उसके अंदर जो मैंने जो भी इसका पार्ट लगाया सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसको मैंने थोड़ा सा रोका फिर भी नहीं रुका। और देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये एलईडी भी एक ही ग्लो हो रही है लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लो हो रही है जो कि बिल्कुल ही देखने में गाइस देख सकते हो कितने उस वीडियो के जैसा लग रहा है और कितना मस्त लग रहा है गाइस देख सकते हो कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और देख सकते हो आप लोग को इसका साउंड भी सुनाई दे रहा हो कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है जो कि गाइस बहुत ही लाजवाब जनरेटर है जो कि गाइस क्या बोले मेरे को हंसी आ रही है गाइस। अभी आप लोग को इसकी रियलिटी दिखाऊंगा। अभी तो आप लोग देख लो कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है और आप लोग देखो ये सब सारे तरफ से पहले तो आप लोग देख लो कहीं से आप लोग को यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है कि ये आप लोग को लगे कि कहीं पे इसमें कुछ कनेक्ट किया गया है। लेकिन गाइस इसमें बहुत ही बड़ा झोल है इसका जो कि गाइस ये वीडियो में आप लोग को नहीं दिख रहा है लेकिन अभी आप लोग को दिखाऊंगा जो कि इसी तरीके से वो लोग भी कर देते हैं अपनी वीडियो में और दिखाते नहीं हैं सामने वाले को जो कि गाइस व्यूअर होते हैं वीडियो को देखने वाले उनको गाइस लगता है कि इस तरीके से हम भी बनाएंगे तो हमारा भी प्रोजेक्ट काम कर जाएगा
जो कि गाइस बिल्कुल ही फ्रॉड होता है। ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर वो लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन किसी का ऐसे तरीके से काम ही नहीं करता है और ना ही आज तक किया है। तो गाइस अब दिखाता हूँ इसकी रियलिटी कि किस तरीके से काम करता है और इसके पीछे का राज ही कुछ और है। तो चलिए मैं इसको रोकता हूँ। देखो मैं इसको रोक दिया, जो कि गाइस इसको मेरे को छूना भी नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक रुक गया। अब इसको चाहूँगा तो स्टार्ट भी कर सकता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और स्टार्ट हो गया। तो इसके पीछे का राज कुछ और है गाइस। अब मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा था। देखो ये LED ग्लो हो रही है, लेकिन जो हमारा कैसेट है और जो सिरिंज लगा हुआ ये सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन LED ग्लो हो रही थी। अगर मैं फिर से इसको रुकूंगा तो ये LED ग्लो होती रहेगी, लेकिन वो जो मैंने कैसे लगाया वो रुक जाएगा। देखो मैं इसको रोक दिया हूँ, लेकिन फिर भी LED ग्लो हो रही है। तो इसके पीछे का तो जो एनर्जी है गाइस वो कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी तो आ रही है, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वो कहाँ से आ रही थी और ये किस तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं इस जो मैंने लगाया है ये तिल लगाया है उसको निकाल देता हूँ, तो ये उस तरीके से भी रोटेट होगा। जो कि गाइस जो मैंने ये लगाया था सिरिंज उससे गाइस कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देख सकते ये कितना तेज ये रोटेट हो रहा है, जो कि बहुत ही तेज रोटेट हो रहा है गाइस। और इसका जो मैग्नेट अरे मोटर है बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया है। पहले तो इस कैसेट को इस मोटर से बाहर निकालते हैं, तभी आप लोगों को दिख पाएगा सब कुछ। तो इस कैसेट को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया था, मोटर जो कि ग्लू लगा था वो सब कुछ छोड़ दिया है। इसको पहले निकालते हैं बाहर, बहुत ही ज़्यादा जल रहा है गाइस, मोटर बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है भाई, पकड़ा नहीं जा रहा है मोटर को, तो हाथ जल जा रहा है। तो इसको मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर जो मैंने लगाया था पुली वो भी हीट होकर वो भी हिल गई है, इधर उधर हो गई है। और ये मोटर तो पूरा हिल गया है, देख सकते हो। इसको मैंने ग्लूस चिपकाया था जो कि बिल्कुल ही हिल गया है। तो ये देखो गाइस, अब देखो गाइस इसके नीचे का कनेक्शन देखो सकते हो गाइस, इसके अंदर ही अंदर वायर गया है जो कि लकड़ी के अंदर ही अंदर था, जो कि मैंने आप लोग को चिपकाते टाइम तो ऐसे ही मैंने चिपकाया था, लेकिन गाइस उसको फिर से बदल दिया गया और उसके अंदर कनेक्शन किया गया सब कुछ जितना था, कैमरे ऑफ करके उसके बाद सब कुछ किया गया। तो इसी तरीके से वो लोग भी अपने वीडियो को बना देते हैं और दिखा देते हैं आप लोगों को कि ये इस तरीके से उन लोगों का प्रोजेक्ट काम कर देता है और देखने में लगता है गाइस कि सच में इस तरीके से हम भी बनाएंगे तो काम करेगा। जो कि गाइस बिल्कुल ही फेक है और इसके अंदर का देख सकते हो ये कनेक्शन, इतना पतला वायर था और इस टेबल के अंदर ही होल था और इस टेबल के बाद उसमें बैटरी लगाया जा रहा था इस वायर के साथ जो कि इस मोटर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो इस मोटर में बहुत ज़्यादा हीट है, थोड़ा सा इसको पकड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस ग्लू से चिपका हुआ वायर है, जो ये दिख रहा है पतला पतला वायर वो मोटर के अंदर गया है, होल करके मोटर के अंदर होल हुआ है और उसके अंदर गया है और उसमें कनेक्शन हुआ है इसी वायर के साथ। और उसके बाद नीचे से ये वायर निकला इस लकड़ी के अंदर ही अंदर, जो कि वीडियो में दिख ही नहीं रहा था कहीं से कि इसमें कहीं से एनर्जी आ रही है। तो अब इसके अंदर ही गया था ये वायर और यहाँ पे निकल रहा है इसके अंदर जाकर और यहाँ से निकल जा रहा है, जो कि इस प्लाई के साथ इधर से निकल जा रहा है। तो यही था इसके पीछे का राज, जिससे कि एनर्जी जा रही थी और सब कुछ कैमरे में लग रहा था गाइस कि यहाँ पे इस सिरिंज सब कुछ हो रहा है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल ही फेक था। और इस ये सिरिंज देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ लेकिन फिर से ये बाहर निकल जा रहा है। तो ये इतना ही बस इतना ही प्रेशर बना सकता है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर पा रहा था। मैंने इसको बहुत ही बार ट्राई किया लेकिन ये कुछ भी नहीं काम कर रहा, बिल्कुल ही फेक है गाइस। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन को भी पता चल सके कि इस तरीके की फेक वीडियो की रियलिटी कुछ और ही होती है। तो शेयर जरूर करना और इस तरीके की और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते किसी और वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।